फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून। दोपहर के 2 बज चुके हैं, 2:30 बज चुके हैं। और अब हम आज क्या है हमारे लंच में बनाने जा रहे हैं, छोले कुलचे। अगर हम बाहर से खाते हैं तो बाहर से गाइस इतने अच्छे नहीं मिलते हैं, हाइजीनिक नहीं रहते हैं। तो आज मैंने क्या करा कि घर पे ही बनाने का सोचा है। तो चलो मैं जल्दी जल्दी फटाफट आपको रेसिपी बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। ये है हमारे चने, वाइट चने जो मैंने उबाल के रख लिए हैं। नमक डाल के मैंने इसको उबाल लिया था। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं बता देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स जो हमारे, सबसे पहले अनियन रहेगा, ये अनियन हम इसके अंदर डालेंगे, कटा हुआ अनियन। ये हमारा टमाटो है, ये हरी मिर्ची मैंने काट ली है, ये आलू है उबला हुआ, उसके अंदर धनिया नींबू है, ठीक है जी। ये सब चीज़ें पड़ेंगी। और ये हमारे हैं कुलचे, कुलचे हमने रेडीमेड मंगवाए हैं। तो ये है भुना हुआ जीरा, ठीक है जी। उसके अंदर ब्लैक सॉल्ट पड़ेगा, ये चाट मसाला है, और ये है सारे मसाले। इसमें से जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ठीक है जी, नमक, ये हम सब डालेंगे। क्वांटिटी जितनी हमको तीखा चाहिए या नॉर्मल चाहिए उसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चने जो है यो एक बाउल में डाल रही हूँ, जितने हमने बनाने पहले उतनी ही क्वांटिटी उसके अंदर डालेंगे। स्टार्ट कर देती हूँ। ये चने जो है जो मैंने बाउल के अंदर शिफ्ट कर दिए, सारे एक बार में नहीं बनाऊँगी फ्रेंड्स, मैं ना थोड़े थोड़े करके बनाती हूँ। मान लो कि हम लोग 3-4 लोग खाने वाले हैं, पहले उतने लोग खाने के लिए, उतने लोगों के लिए मैं रेडी करती हूँ। इसके अंदर अनियन चला गया, ठीक है जी, ये मैंने अनियन इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद मैं इसके अंदर टमाटो डालूंगी, ये जो टमाटो है उतना ही डालूंगी जितना हमें ज़रूरत है। ये मैंने इसके अंदर टमाटो डाल दिया। अब इसके अंदर मैं आलू जो है कटा हुआ आलू भी मैं डाल रही हूँ। आपको आलू डालना है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना है तो आप नहीं डाल सकते। तो आपको अगर टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, तो मुझे तो ये अच्छा लगता है आलू। और इसके अंदर मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ। हरी मिर्ची जो है मैं वो ज़्यादा कड़वी वाली नहीं, मोटी वाली मिर्च रहती है ना, वो मैंने इसके अंदर डाली। अब इसके अंदर मैं धनिया भी डाल रही हूँ, ठीक है। बाद में मैं इसके अंदर क्या डालूँगी, अब सॉल्ट डालूँगी, जो काला नमक है, ये है मेरे पास काला नमक, ये मैं इसके अंदर काला नमक ऐड कर रही हूँ, ठीक है जी। ये मैंने काला नमक ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी चाट मसाला। चाट मसाला थोड़ा सा फ्रेंड इसमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। बाद में मैंने भुना हुआ जीरा, जो भुना हुआ जीरा है वो डालना है थोड़ा क्लोजर। अब मैंने भुना हुआ जीरा डाल दिया। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, ठीक है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और गर्म मसाला अगर लगे तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप गर्म मसाला स्किप कर सकते हो। मैं इसके अंदर थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दिया। और एंड में क्या है, इसके अंदर मैं चटनी है जो बना के मैंने मतलब रखी हुई है, खट्टा चटनी इमली की, वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। खट्टा कितना चाहिए आपको वो तो आपको पता ही है, आपको कितना खट्टा चाहिए, तो वो उसके अंदर मैंने उतना ही चटनी जो है ऐड की है। कई लोगों को ज़्यादा खट्टा पसंद है, कईयों को थोड़ा नॉर्मल खट्टा पसंद है, तो मैंने इसके अंदर चटनी जो है वो डाल दी है। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अगर मुझे लगेगा तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा चटनी और भी डालूंगी बाद में। अब मैं इसके अंदर क्या कर रही हूँ, नींबू, 1/2 नींबू डालूंगी मैंने, 1/2 नींबू इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि चटनी भी जो है मैंने वो खट्टी ही बना रखी है इमली की, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें नींबू नहीं लगाऊंगी, 1/2 नींबू, और बाकी मैंने थोड़ी सी और चटनी डाल दी है। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और मैं थोड़ा इसको चख के देखूंगी, अगर मुझे लगेगा कि इसमें थोड़ी चीज़ की ज़रूरत है, सॉल्ट की या ज़्यादा तीखे की या थोड़ा सा मसाले की, तो वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए हमारे चने जो अभी रेडी हो गए। बाहर खाएंगे तो देखो हाइजीनिक नहीं रहते हैं, घर में आप वो उबाल के ये सब चीज़ें बना लें, और बना के आप इसको एक बाउल में इकट्ठा आप सब लोग बना के खा सकते हो। अब इसके लिए मैंने कुलचे के लिए थोड़ा सा बटर जो है वो इसके ऊपर लगाना है,
थोड़ा सा बटर मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना हल्का सा, बहुत ज़्यादा बटर नहीं लगाना। और मैंने ये कुलचे को सेक लेना है। अब कोई तो इसको भर के खाता है, कोई जो है वो इसको ऐसे कुलचे के साथ चने को खा लेता है। मैं इसको भरना नहीं है मुझे, मुझे इसको एज इट इज ही गर्म करके, बटर आप लगाना चाहते हो तो बटर लगाइए, नहीं लगाना चाहते तो आपको इसको ऐसे ही खा सकते हैं। अब मैं गैस को फुल कर रही हूँ और इसको मैं सेक रही हूँ। अब ये अच्छे से गर्म होने का अभी 5 मिनट लगेंगे, इसको सब रेडी हो जाएगा। ये हमारा सिक रहा है, ये हमारा कुलचा जो है सिक गया है बहुत अच्छे से। अब हम इसको खाने के लिए प्लेट में सर्व करेंगे। ये देखिए, ये हमारे बनके रेडी है कुलचे और चने, आप इसको अब एंजॉय कर सकते हैं। अभी आप फ्रेंड्स घर पे बनाइए, बना के इसको खाइए और मुझे बताइए कि कैसे लगे। और जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।